हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आपको बता दें, इंडिया में अब ब्लैक फंगस बन चुका है जानलेवा, क्योंकि यह बीमारी इतनी तेज़ी से फैल रही है जो कि शुगर के पेशेंट और करोना वायरस से पीड़ित व्यक्तियों में काफ़ी तेज़ी से फैल रही है। हाँ जी दोस्तों, ब्लैक फंगस यह बीमारी एक वायरस नहीं है जो कि कोरोना वायरस की तरह नहीं है। आपको बता दें, यह किसी को छूने से, कांसने से या छींकते समय ऐसे उस प्रकार से नहीं फैलता है, क्योंकि यह वायरस नहीं है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। दोस्तों आपको बता दें, यह बीमारी शुगर के पेशेंट है जो कि कोरोना से पीड़ित भी है उन व्यक्तियों में काफ़ी तेज़ी से फैल रही है। साथ ही आपको बता दें, यह बीमारी इतनी खतरनाक साबित हो रही है कि इसमें व्यक्ति की आँखों की रोशनी तक चली जाती है। हाँ जी दोस्तों, आपको बता दें, क्यों ये बीमारी आँखों में ज़्यादा प्रभावित होती है, पूरे चेहरे से लेकर आँखों में ज़्यादा इफेक्टिव होती है, इससे व्यक्ति की आँखों की रोशनी तक चली जाती है। साथ ही आपको बता दें, यह वायरस उन लोगों में फैल रहा है जो काफ़ी समय से, लंबे समय से कोरोना वायरस से पीड़ित हो, या फिर डायबिटीज के पेशेंट हो, या फिर शुगर के पेशेंट हो, या फिर उनके एड्स वगैरह हो, या उनकी इम्यूनिटी पावर क्षमता काफ़ी कम हो चुकी हो, उन व्यक्तियों में यह देखने को मिल रहा है जो कि काफ़ी खतरनाक साबित हो रहा है। आपको बता दें, यह ज़्यादातर आँखों में और दांतों में और फेस चेहरे पे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो दोस्तों, इस बीमारी से बचने के लिए क्या करना चाहिए? तो दोस्तों आपको बता दें, इस बीमारी से बचने के लिए अगर हमारे शुगर पेशेंट है, शुगर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए दवा लीजिए, और बिना डॉक्टर की सलाह के एस्ट्रोल नहीं लेना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा एस्ट्रोल की वजह से होता है दोस्तों। तो अगर आप भी आपको लगता है तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही दवा लीजिए। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।